हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। और आप लोगों ने नंदलाल बसु का जो कंटेंट पढ़ा और उसके साथ साथ जो आपने कमेंट किए हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और स्पेशली थैंक्स करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी राइटिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट किया और मेरे पढ़ाने के स्टाइल को लेके। तो कहती हूँ ना कि उससे कहीं ना कहीं खुशी भी होती है और एक नया कंटेंट और उससे बेहतर तैयार करने का एक कहते ना मोटिवेट होती हूँ मैं। तो आज हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। असित कुमार हल्दार, वैसे ही बहुत इजी शब्दों में हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो राइट करिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं, एज योर विश। असित कुमार हल्दार, जन्म 1890, जोडा साकू में। और कौन कौन पैदा हुए थे? कोलकाता में पढ़ता है ये आपको पता है, अवनीनाथ जी, गगनेन्द्रनाथ जी और रविंद्रनाथ जी। ओके, मृत्यु 1964 लखनऊ में हुई थी। फिर यहाँ पे आप आएंगे अब इनकी शिक्षा। तो भाई ये सभी को पता है कि जब यहाँ पे पैदा हुए हैं तो यहीं पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, कोलकाता आर्ट्स कॉलेज। इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने शिल्प कला की आप समझिए कि शिक्षा ली, उनका नाम था लियोनार्ड जेगिंस। ओके, अब हम आएंगे यहां पे इनका शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य इन्होंने देखिए कहाँ कहाँ पे किया। सबसे पहले तो ये 1912 to 1923 ओके कला भवन में ही रहे प्रिंसिपल। जयपुर आर्ट्स कॉलेज, 1925 to 1945 ये लखनऊ में। अब जब ये सब हिंदी में ही लिखा है तो ये भी लिखूं, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी लखनऊ में हुई है जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा है 1964 लखनऊ में। ये आप इनका शिक्षण कार्य हो गया। अब आप ये समझिए कि ये यहाँ पे 1924 में जयपुर आर्ट्स कॉलेज में जब ये प्रिंसिपल रहे उसके पहले इन्होंने इंग्लैंड में यानी 1923 में ही विशेष कला अध्ययन के लिए विशेष कला अध्ययन के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की यात्रा करी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रब करूं और आगे बढ़ूं।
अब हम आते हैं इनकी बुक्स में। इन्होंने बुक्स भी राइट डाउन करी थी, तो इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, नंबर टू आवर हेरिटेज इन आर्ट, नंबर थ्री आर्ट एंड ट्रेडिशन। ओके, ये इनकी थ्री बुक्स थी जो कि तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ओके, बुक्स इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट एंड ट्रेडिशन। अब हम आते हैं कि इन्होंने चित्र कैसे बनाए। देखिए इनके चित्रों की, चित्रों में आपके सबसे पहले आ जाएगा नव वधू, कच देवयानी, अवनींद्रनाथ जी ने भी बनाया है, जगई मगई नंदलाल बोस जी ने भी बनाया है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग नेट पे ज़रूर डाल के सर्च किया करिए, उससे आप भूलेंगे नहीं, और इनके नाम कुछ थोड़े से फनी टाइप के हैं तो वो याद भी आपको हो जाएंगे, जैसे कि उसकी बपौती। चौराहे पर संगीत की लौ, म्यूजिक ऑफ फ्लेम्स भी कहते हैं संगीत की लौ, अशोक, ये इंपॉर्टेंट है, अशोक व पुत्र कुणाल, कुणाल या कुणाल जो भी आपको समझ में आ रहा है, यशोदा या कृष्ण व यशोदा, यशोदा, यौवन, झरने की प्रकृति, सह अस्तित्व, अकबर और बुढ़ापा, बुढ़ापा, नए व पुराने, देखिए कौन कितने कितने थोड़े इसमें फनी आपको लग रहे होंगे, कि जैसे कि उसकी बपौती, चौराहे पर अनजाना करके भी है, और ये नव वधु, कच देवयानी, जगई मगई तो आपको याद ही हो जाएंगे, संगीत की लौ, अशोक व पुत्र कुणाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगई मगई, संथाल नृत्य भी इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, झरने की प्रकृति, सह अस्तित्व, ताल व प्रकाश, कच्छ देवयानी। और इसमें आप लोग ये कंफ्यूज मत हुआ करिए कि ये इन्होंने भी बनाया है तो किसी और ने, क्यों नहीं हो सकता, जब उन्हीं के स्टूडेंट है तो उनकी टेक्निक और उनकी चीजों को तो जरूर उससे आकर्षित होकर और नई नई चीजें वो बनाएंगे और उन्हीं का नाम देंगे, जैसे कि कच्छ देवयानी, जगई मगई, और आपका भारत माता भी, मतलब माता से रिलेट करके भी इन्होंने चित्र जरूर बनाया होगा, तो आप लोग नेट पे डालकर उसको जरूर से जरूर मतलब सर्च किया करिए। रासलीला,
रासलीला, रासलीला भी है और रामलीला भी है, ओके। जितनी बुक्स हैं उतने नाम हैं। बसंत, ठीक है, आप लिखते चलिए। ऋतु संहार, प्रकृति की आत्मा, आत्मा, ओके। ये आपके चित्र हो गए। और आपका ये समझिए कि अब यहां पर हम आते हैं प्रतिलिपियों में, ठीक है। प्रतिलिपियां, इन्होंने प्रतिलिपियां सबसे पहले अजंता की बनाई थी 1909 से 11 के मध्य। लेडी कौन थी? लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो ये हरिंगम भी बहुत पूछी जाती हैं, अजंता की प्रतिलिपि। '1914 में आपकी जोगी मारा, 1921 में बाघ की, ठीक है। तो देखिए, आप एक ही चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 1909 to 11 लेडी हरिंगम किसकी अध्यक्षता में? लेडी हरिंगम, ओके। फिर 1914 में जोगी मारा, 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां इन्होंने बनाई। और कहा जाता है कि इन्होंने मूर्ति भी बनाई थी रविंद्रनाथ जी की, ओके। किसकी बनाई थी? अब मैं इसको रेस कर रही हूं। ये आप इंपॉर्टेंट में या नोट डाल के लिख सकते हैं, इन्होंने या असित कुमार जी ने, असित कुमार जी ने रविंद्रनाथ जी की मूर्ति भी बनाई जो कि इलाहाबाद, अब क्या हो गया प्रेजेंट टाइम? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद, वो रहता है ना कीप इन टंग, इलाहाबाद रटा हुआ है तो उसी में ही बार बार इलाहाबाद निकलेगा। तो संग्रहालय में, संग्रहित है इनको, इन्होंने कवि कलाकार भी कहा है रविंद्रनाथ जी ने, इन्हें कवि कलाकार भी कहा है। अब हम आएंगे इनके माध्यम में। माध्यम इनका वॉटर कलर, ऑयल एंड टेम्परा। यहां पे एक नोट डाल के लिखिए कि इन्होंने वुड यानी लकड़ी पर भी काम किया है, काम इन द सेंस चित्रांकन किया है, जिसे लैक्यूनर
लैक्यूनर या लेसेट टेक्निक कहा जाता है। इस तरीके से आज ये हमारा असित कुमार हल्दार चैप्टर ऑलमोस्ट डन कंप्लीट हो गया। और आप अपना ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।